बताओ। मैडम आप इतना बोल रहे, वो तो ये बोल रहे हैं कि आप जो भी बोलेंगे, आप बोलेंगे उल्टा खड़ा होना, तो मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा। अरे पहले आंदोलन में तो खड़े होते भैया, खड़ा हो या नहीं, यहाँ तो हुआ नहीं गया खड़ा। अब तुम उल्टा खड़ा होकर सीधा खड़ा करके कहा करूँ मैं भाई, उल्टा सीधा कहा करूँ करके बात मैं बाला के भी कर सकूँ एक, ठीक है। पर यहाँ तो होते आप तो मुझे भी अच्छा लगा। देखो ये युवा यहाँ पे खड़ा हुआ इतना, ये मेरे से शादी करना चाहते हैं, विचार अपने रख रहे हैं, तो उनकी सलाह भी मैं लेती। अब आप घर पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी सलाह दे रहे हो बड़े भाइयों, युवा स्पेशल और क्या बोला, मतलब जो शादी करना चाहता है, शादी के सपने लेके आपके साथ में सामने आ रहा, अगर आप उसको इस तरह भाई बोलोगे तो कैसे चलेगा। देखिए एक व्यक्ति से तो शादी करेंगे, बाकी तो भाई हैं, हैं कि नहीं बड़े भाई? भाई शादी एक व्यक्ति से तो करी जाएगी मेरा जो मानना, बाकी कोई बात नहीं, जितने भी हैं सब भाई तो होंगे। अब मुझे थोड़ी पता उनमें कौन सा एक, या भारत में कौन सा ऐसा व्यक्ति, मुझे थोड़ी पता। तैमर में तो सबको भाई हो, भाई हो और बहनों और मित्रों, मित्रों ही करूंगी जो पिछले 7 साल से हो रही थी, भाई और बहनों और मित्रों हो रही थी ना। एक अपने मतलब जिसने मुझे मैसेज भेजा था उसने बोला, मैंने उसको रिप्लाई किया, हमने कहा भाई पूनम पंडित तुम्हारी मम्मी को खाना बना के नहीं खिलाएगी, तो उसका जवाब आया, भाई मैं अपनी मम्मी को छोड़ दूंगा लेकिन पूनम पंडित केवल मुझसे शादी करने की। व्यक्ति अपनी माँ को छोड़ सकता है तो पूनम पंडित क्या है? कुछ नहीं है। जो व्यक्ति उस औरत को छोड़ सकता है जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा हो, उसे छोड़ सके तो पूनम पंडित क्या? भैया दिमाग को थोड़ा ध्यान से कम मत मानिए, पूरी बकालत सीख रहा है मैंने भी, ठीक है, बहकने की नहीं उधारी बात से, ठीक। तो जब आप अपनी माँ को छोड़ सको तो मैं क्या हूँ? कल को हमसे कोई और ऊपर आएगा तुम हमें छोड़ दोगे, तो हमें कृपया करके माफी चाहते हैं आपसे, क्षमा चाहते हैं। तो आप अपनी शादी के लिए किस तरह का इंसान चाहती हैं कि जिससे आप शादी करेंगी फ्यूचर में? मैं तो इस तरह का चाहूं कि जो मेरी आजादी पे रोक न लगाए, क्योंकि मैंने अपनी शादी से पहले सभी से वादा कर लिया, देश की जनता से, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, कि मैं आपके सहयोग में हमेशा रहूंगी, कर लिया ना, कि कल को मेरा ये वादा टूट ना जाए ऐसे व्यक्ति से जिसकी विचारधारा किसी धर्म से ना जुड़ी हो, जिसकी विचारधारा किसी जाति से न जुड़ी हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहूंगी। आपने एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया, क्या लगा दिया? मोदी जी ने तुम्हारी शादी तोड़वा दी। ये मैंने गलत थोड़ी कही भैया, एक बात सुनो, जब पूरा प्रैक्टिकली बात देखियो, बात मेरी दोबारा ध्यान से रिपीट करनी पड़ी है, ब्याई बिगड़ गो, सुनते रहियो। अब क्या कहते हैं, अब के इस मौसम में हम शादी कर लेते 2020 में, 2019 में हमने अपनी बहन की शादी कर दी, 2020 में हम कर लेते। अब हम किसी, अब देखिए 19 में शादी करी है तो पैसा मेरे को तो उद्योगपति फंड नहीं करते ना, पैसे नहीं देते ना, मुझे चंदा नहीं देते वो लोग, ना मुझे चाहिए उनकी भीख। अब मैंने अपनी बहन की शादी करी तो कम से कम 1-1.5-2 साल तो चाहिए नहीं चाहिए। अब चलो लड़का बढ़िया मिल गया, परिवार बढ़िया मिल गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन नहीं मिलो, ठीक। अब मैं अपने चाचा से कहूँ, चाचा शादी करने वाले हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ रिश्तेदार देंगे, कुछ बहनों ही देंगे हमारे पंडित जी, कुछ तुम मदद करो। केवल लाली पैसा ही ना, लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने काम बंद करवा दिए, तब आ गई ना वो बात मोदी जी वाली, तो मैंने कहा इल्जाम गलत लगा दियो भाई, मैं थोड़ी कह रही हूँ, तो मैंने सर्च करा होगा। पूनम कम से कम 1000 मैसेज आए हैं मेरे फोन पर। अच्छा, मैं ये मेरे सवाल नहीं है ना, तो ये मेरे क्वेश्चन है, लेकिन ये जनता के और देश के युवाओं के सवाल है, उन्होंने आपकी व्यक्तिगत राय मांगी है आपकी शादी को लेकर। अच्छा, मेरी व्यक्तिगत राय है मेरी शादी को लेकर, कि आप मतलब अगर ये आंदोलन खत्म होगा तो क्या शादी करेंगी? और भैया ऐसी क्या कुआरे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, देश में नाश करेंगे? भैया नारी को फर्ज होता वंश को आगे बढ़ाने का, तो हम तो वह काम बिल्कुल करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगी कि हम ब्याह ना करें, करेंगे बिल्कुल करेंगे, करेंगे आप। बहुत सारे मतलब धर्मों से, बहुत सारे समुदायों के लोगों ने बिल्कुल अपने फोटो और फोन नंबर और एड्रेस के साथ मेरे चैनल पे ये मैसेज दिया है कि पूनम पंडित से मैं शादी करना चाहता हूँ, और पूनम पंडित जो भी मुझसे करवाना चाहे, घर का काम, चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी करना है मैं करूंगा, केवल पूनम पंडित हमसे शादी के लिए हाँ कर दे, क्या कहना उनके बारे में? भैया देश का युवा पूछ रहा आपसे। बढ़िया लगो, लेकिन अगर आप वो चौका बर्तन छोड़ गए, थोड़ा आंदोलन में सहयोग करते तो खुशी होती, और यहाँ मिलते तो और ज्यादा खुशी होती होती, क्या ना। अब तुम घर में बैठ के तुम भी तो वह काम करना चाह रहे हो जो भगवान ने ईश्वर भी बना का सोच रहे होगा, कहाँ बना दियो, जो पशु ने पसी पशु पक्षी ने करो, शादी करो और वंश आगे बढ़ाओ, बच्चे करे, वही तो तुम करना चाह रहे हो। अब तुम यहाँ आके सहयोग करते तो थार से मिलते भी, देखते भी, पर ठीक है, आपने इतना बोला धन्यवाद, लेकिन आपकी सोच को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगी, थोड़ा सा देश के लिए अगर कुछ करते तो मुझे भी अच्छा लगता कि मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी की। मैंने उनको एक पर्सनल कमेंट किया कि भैया अगर आप बाहर से रह के इस तरह पूनम से शादी की, अरे ऐसे तो मिल भी नहीं पाते बड़े।
भाई सपने देख रहे हैं तो आप अपने अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि अगर आपको आना है शादी करना तो भी आंदोलन में आके उनका हाथ बटाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जितने भी मेरे युवा हैं देश के ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, भैया कोई भी अगर चीज है तो पहले उसको बिखेरा जाता है, फिर निखारा जाता है, फिर तपाया जाता है, तभी तो बात बनती है। अब तुमने आंदोलन में सहयोग करा नहीं तो मैं कैसे कर सकूं, कतई नहीं कर सकूं। ऐसे व्यक्ति से शादी करना मेरे लिए तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने किसी ऐसे इंसान से कर लिया जो दुनिया में आए और चले गए। भाई देश के लिए तो कुछ करो, तो मैं तो ऐसे व्यक्ति से शादी करूं, कोई धर्म का मेरे ऊपर वो नहीं है कि बॉन्ड की मैं हिंदू धर्म में ही करूं, कोई धर्म का ये बॉन्ड नहीं कि मैं मुस्लिम धर्म में करूं, कोई ये बॉन्ड नहीं है कि मैं सिख धर्म में करूं। मैं सभी धर्मों में से किसी धर्म में शादी कर सकती हूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। दूसरी बात, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए और आजादी पे मेरी रोक ना लगाए। कल को ये ना कहे कि महिलाओं के उसमें चली गई, युवाओं के उसमें चली गई, किसानों के धरने में चली गई, कल को ये रोक ना लगाए। ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी चाहे 2000-4000 रुपए महीने कमाने वाला हो, खेती करने वाला हो।